को मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हो गई हूँ और आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम लोग आपके साथ में आकर मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो हम लोग करते हैं, आपके जीवन में खुशियां लाने का जो है प्रयास हमारा जारी रहता है। तो दर्शकों, आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे पैसा हमारे पास आए और पैसा जो है वो किस प्रकार से आए, पैसे के लिए क्या ऐसे उपाय करें। हर एक इंसान जानता है कि पैसा इंसान की मूलभूत जरूरत नहीं, सारी जरूरत है। आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसे चाहिए, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो पैसे चाहिए, आपको बच्चों की शादी करनी है, कुछ करना है, घर बनाना है, घर खरीदना है, हर चीज में आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, गैजेट्स लेने हैं, हर चीज में आपको पैसा जो है वो बहुत जरूरी है। आज मैं आपको ऐसे बताऊंगी कुछ कैसे जो उपाय आपने करने हैं और आपको जीवन में क्या ऐसी चीजें अपनानी है जिससे पैसा आपकी तरफ चुंबक की तरह अट्रैक्ट हो। हाउ टू अट्रैक्ट मनी, चुंबक की तरह पैसा खींचने वाली मशीन जो है वो आप बन जाए। कैसे बनेंगे मैं बताऊंगी आज। तो पहला उपाय जो है आपको क्या करना है, और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको जो है कौन सी ऐसी चीजें करनी है, और ऐसी हम रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हमें हमेशा नुकसान होता है, और ये नुकसान जो होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में होता है। जैसे अगर आपका कोई रिश्तेदार है और वो आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी बुराइयां करनी छोड़ दीजिए। आपका कोई रिश्तेदार है और आपसे बहुत ज्यादा अमीर है, अपने पैसों को कितना मर्जी घमंड करता है, उसकी बुराई करनी छोड़ दीजिए। कोई ना कोई तो उसके अंदर, या कोई ना कोई उसका ऐसा ग्रह है जो उसे लक्ष्मी प्रदान कर रहा है, या कोई ना कोई ऐसा उसके पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा यंत्र है, या कोई ना कोई ऐसा उसने उपाय कर रखा है जिससे उसके घर में लक्ष्मी का वास तो है। उसकी बुराई करनी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बुराई जब पैसों के लिए, पैसों के बारे में आप बोलते हैं कि इसके पास तो पैसों का घमंड है, इसको ऐसा है, इसको ऐसा है, पैसों की जो है मतलब इसको कदर ही नहीं है, या पैसों की तड़ी मारता है, तो आप ये पैसों की बातें करनी छोड़ दीजिए। उस रिश्तेदार की, उस फ्रेंड की, आप अपने किसी माता पिता की, अपने भाई बंधु किसी की भी बातों में आप ये बातें करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे हम यूनिवर्स को सिग्नल्स देते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीजें रिटर्न में देता है। दूसरी चीज, जब भी आप पैसा अपने पास से निकालते हैं, आप किसी को पैसा देते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी को पैसा दिया, उसको किलस के पैसा मत दीजिए। किलसा के जब आप इंसान को पैसा देंगे तो वहां पर आपको दिक्कत परेशानी हमेशा आएगी। उसका भी आपको मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत काम की आपकी वीडियो है ये। और कई लोग मैंने ऐसे भी देखा है, पैसे की परवाह नहीं होती है, बहुत पैसा होता है, पैसे की परवाह नहीं होती है, कहते हैं अरे पैसा तो मेरे हाथ की मैल है, अभी दो घंटे में पैसा कमा लूंगा, बताओ कितना कमाना है, कोई बात नहीं। पैसे का निरादर आपको नहीं करना चाहिए। पैसे का निरादर जो लोग करते हैं उनके पास से माता लक्ष्मी ऐसी रूठती है कि उनके पास जो है ना वापस आने का नाम ही नहीं लेती। और जो लोग कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि आपने देखा होगा कि इतने घर में उनकी वेस्टेज हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, तब भी पैसा उनके पास आ रहा है। वो उनके ग्रह ऐसे हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा बड़ा स्ट्रांग होता है, बृहस्पति कई बार उनका जो है वो खराब होता है, तो बरकत जो है यानी कि सामान की वेस्टेज, जिनके घरों के बृहस्पति खराब होते हैं, जिनकी पत्रिकाओं में ऐसे लोग सामान की वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन चंद्रमा स्ट्रांग होने के कारण उनके पास पैसा आता रहता है। तो ये चीजें हैं जो आपने जो है ध्यान रखनी है। और आपने क्या करना है कि देखिए पैसा आपके पास आता रहे। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि पांच रुपए के लिए जो है ना स्कूटर वाले से लड़ेंगे, जो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से लड़ेंगे, और जो है ना किच 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 हमेशा करेंगे, पैसा निकालते वक्त, बच्चों को पैसा देते वक्त 10 बातें उनको सुनाएंगे, फिर उनको पैसा देंगे, और ऐसे में क्या होगा उनकी वो बरकत जो है ना बच्चों के लिए पैसा खर्च रहे हैं। तो ऐसे मत बोलिए कि तुमने तो कुछ करना ही नहीं है, पैसा तुम्हारा खराब जाएगा, ये फोन तुम्हें दिला के दे रहा हूँ ये खराब जाएगा, तुमने पहले खराब कर दिया था, आप दोबारा खराब कर दोगे, ऐसी बातें मत सोचिए। आप जैसी पॉजिटिविटी के साथ में पैसे दोगे, बच्चों को पैसे दो, हाँ जी बच्चों ये पैसे रखो, और ये जो आपने मोबाइल खरीदना है और इस मोबाइल से आपका बहुत बहुत काम बढ़िया होगा बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है,
ये पैसा तुम्हें बहुत फलेगा, कोई बच्चों के लिए कोई आप कोई नई चीज करने जा रहे हो, कोई नई बच्चे दुकान खोलने जा रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो पैसा तो देखो देना ही देना है। ऐसा तो है नहीं कि आप पैसा नहीं दोगे फिर उनका काम कैसे बनेगा, पैसा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो उस पैसे को शुभ तरीके से दीजिए, करना हमें सारे काम होते हैं, लेकिन हम जो है ना किलस किलस के, कई लोगों की आदत होती है किलस किलस के हर चीज को करनी है। जैसे आप किलस किलस के पैसा दोगे ऐसे ही किलसता हुआ पैसा आपके पास आएगा। अब एक और चीज नोट कीजिए, आपने देखा होगा कि लोगों ने जो है ना कोविड में जो है ये जब ये अभी चल ही रहा है कोविड-19 जो जो ये हमारा कोरोना वायरस जो है टाइम पीरियड है, इसमें इतने लोग जो इतने अमीर थे, सक्षम थे पैसा देने में, इतने फैक्ट्री वाले इतने मालिक जो है पैसा देने में सक्षम थे, उन्होंने तब भी अपने अपने जो है वर्करों को कितना खिलसाया। तो आप क्या सोचते हो उनका शनि नहीं खराब हुआ होगा? शनि खराब हुआ है, अब उनके पास किलस किलस के ही पैसा आएगा। और वो लोग अपने इस टाइम पीरियड पे कितना परेशान हुए होंगे घर पे बैठकर, कोई जब वो टाइम पीरियड था ये कि जब हमारे को किसी रिश्तेदार से भी कोई मदद की कोई आपको जो है उम्मीद नहीं थी, कोई आपका जो है जो अगर आपके, क्योंकि ज्यादातर लोग मैंने देखा हैंड टू माउथ होते हैं, हैंड टू माउथ सुबह कमा रहे हैं रात को खा रहे हैं, सुबह कमा रहे हैं रात को खा रहे हैं और बचत ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे कोठी वाले मैंने देखे हैं कि जो इस पीरियड में इतने परेशान हुए हैं क्योंकि इतनी बड़ी कोठी है लेकिन वो कोई फायदा नहीं, पैसा तो जेब में आई नहीं। तो इसलिए पैसे को जब देंगे तो भी किलस कर देंगे तो किलस कर ही पैसा आएगा। और जिन लोगों ने अपने वर्कर्स को खुश रखा है ना उनको कैसे पैसा आएगा वो सोच भी नहीं पाएंगे, कितना जबरदस्त उनके पास पैसा आएगा क्योंकि उन्होंने धुआएं बटोरी है। और एक और चीज का ध्यान रखिए, अब आपने क्या करना है कि जैसे पैसे को आपने किसी को देना है, पैसे को आपने देना है आपने किसी वर्कर को देना है कि चलिए, और पैसे का जो है ना धन्यवाद जहां पर भी आप पैसे को रखते हैं, आपकी कोई तजोरी है, कोई स्थान दे रखा है आपने पैसे के लिए, कोई स्थान बना रखा है, कोई अपने घर के अंदर लॉकर रख रखा है, तो उस जो जगह होती है ना जगह की भी आपको वैल्यू समझनी चाहिए क्योंकि उस जगह से आपका रखा हुआ पैसा जो है वो और मल्टीप्लाई होता है। आप उस जगह का भी धन्यवाद कीजिए और पैसों को हमेशा अच्छे शुभ तरीके से पकड़िए। जब गुस्से में होते हैं ना तो पैसों को हाथ मत लगाओ, ये फिर आपके पास से भागेगा ही भागेगा। नेगेटिव हाथों से पैसों को हाथ मत लगाइए, और जब आप गुस्से में हैं, चिल्ला रहे हैं या आपका मूड ऑफ है तो पैसों को हाथ मत लगाइए क्योंकि वही एनर्जी जो है आप पैसों के साथ में भेज रहे हैं और वैसे ही रुसकर क्या कहते हैं कि आप बेमन से आपके पास जो है वो पैसा आएगा। जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है, ये जो है लॉ जो है उसको पहचान जाइए। दूसरी चीज, आपको किसी को पैसा देना है, मैंने बताया आपको खुश होकर दीजिए और स्थान की जो है वैल्यू कीजिए। आप जिस स्थान पर आप अपने पैसे रखते हैं, किस लॉकर में रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, आप क्या कीजिए उस जगह की जो है उसको हाथ लगाकर जो है अपने माथे पर जो है अपने इष्ट देव को याद करते हुए बोलिए कि ये स्थान मेरे लिए बहुत लकी है, मैं हमेशा या जब भी यहाँ पर पैसे रखता हूँ या रखती हूँ मेरे पैसे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मेरे को धन की बरकत मिलती है और मेरे को धन जो है वो हमेशा यहाँ पर पड़ा हुआ धन मेरा हमेशा जो है अच्छे कामों में जाता है, मेरा धन जो है वो अच्छी जगह पर यूज होता है और मेरा धन जो है हमेशा मल्टीप्लाई करके वापस आता है। ये बात आप बोलिए, लॉकर है तो लॉकर पे हाथ लगाकर, जब अब रोज रोज तो नहीं बोल सकता, रोज रोज इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज रोज लॉकर खोलकर यही सब करने लग जाए। तो आप क्या कीजिए, जब पैसे निकालते हैं डालते हैं उस टाइम पीरियड पे तो ये दो शब्द हम बोल सकते हैं कि ये स्थान मेरे लिए बड़ा लकी है। और लकी स्थान घर के अंदर कौन सा होता है, जहां पर हम अपनी तिजोरी रखते हैं वो है एक नॉर्थ की दिशा और एक साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा पे ऐसी जगह पे तिजोरी रखिए जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ जो है वो खुल रहा हो, और नॉर्थ की जगह में ऐसी तिजोरी रखिए जिसका मुंह साउथ ईस्ट की तरफ हो, साउथ की तरफ नहीं साउथ ईस्ट की तरफ हो, तो माँ लक्ष्मी का स्थान और जो आपस में जो ये एनर्जीज जो टकराती है इससे आपका पैसे का फ्लो जो है वो हमेशा बढ़ता है। अब लोग कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, अंबानी, अरे अंबानी तो पता नहीं कैसे अमीर हो गया, ये हो गया, वो गए, 100 गाली निकाल देंगे अंबानी को बैठे बैठे। तो ऐसी ही हरकतें ना कीजिए, जो लोग अमीर अपने खुद मेहनत से बने हैं उनको याद कीजिए,
उनको जो है उनका उनकी उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ने का एक बना लीजिए कि उनकी बायोग्राफी जो है मुझे पढ़नी है, जैसे जेफ बेजोस है, आपको पता है अमेजोन के जो है जेफ बेजोस, बिल गेट्स के बारे में पढ़िए, मुकेश अंबानी के बारे में पढ़िए, स्टीव बालमर के बारे में पढ़िए, लॉरी पेज के बारे में पढ़िए, एलन के बारे में पढ़िए, सरजी ब्रिन के बारे में पढ़िए, इन सब लोगों के बारे में पढ़िए, इन्होंने कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया है, कैसे पैसा इन्होंने बनाया है, कैसे ये बचपन में कैसे थे और इन्होंने कैसे इतनी मेहनत करके, आपको पता है बिल गेट्स ने कितनी मेहनत की है और वो वर्ल्ड के जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। और आजकल तो जेफ बेजोस है जो अमेजोन के हैं, आपको पता ही होगा वही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन। तो इन लोगों की जीवनी से, इन लोगों की ऑटोबायोग्राफी से कुछ शिक्षा लीजिए। और मैं आपको बतानी चाहती हूँ कि पैसे जो मैंने बताया आपको, पैसों को खुश होकर लीजिए, खुश होकर दीजिए। और जो है जब भी एक कोई भी भारतीय करेंसी, कोई भी भारतीय करेंसी जैसे कि एक डॉलर ले लीजिए, एक डॉलर को अपने पर्स में हमेशा रखिए, बाहर की कोई भी करेंसी उसको हमेशा अपने पर्स में रखिए। बाहर की करेंसी बोल रही हूँ, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाके सेटल होने चाहते हैं, उस देश की करेंसी को हमेशा अपने पास में रखिए। और क्या कहते हैं कि कई लोग जो बाहर जाते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर घूमे और उसके बाद जितनी उनके पास करेंसी बची वहीं पर ही एक्सचेंज करके वापस आ जाते हैं, अपनी इंडियन करेंसी वापस ले आते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मेरा तो हमेशा से ये शौक रहता है कि देखिए जब भी मैं किसी कंट्री में जाती हूँ तो वहां की करेंसी हमेशा अपने साथ लेके आती हूँ। और ये जो है जिस कंट्री में मैं हमेशा गई हूँ उन कंट्रीज के हमेशा मेरे पास नोट होते हैं। और जो है ना मेरे बाकी जो मेरे साथ लोग होते हैं कहते हैं दे दो सारी करेंसी वापस करवा लो, जल्दी एक्सचेंज करवा लो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी एक्सचेंज। और मेरी इस बात पर लड़ाई हो जाती है, कहते सारी करेंसी एक्सचेंज करवा लो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो घर लेके जाऊंगी। तो जो बच गए हैं पैसे से घर लेके आइए और फिर उसके बाद हमें फिर वही कंट्री में जाने का फिर हमें मौका मिलता है। ये बात मेरी पक्की है, आप देखेंगे सोचेंगे इसको जो है बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे अब कई लोग निराश मत हो कि हम तो किसी करेंसी में जा ही नहीं सकते, किसी कंट्री में जा ही नहीं सकते, हमें कैसी करेंसी मिलेगी, ये है वो है। तो आप जो है मनी एक्सचेंज करने वालों से कोई छोटा सा, जैसे ये देखिए ये थाई बात है, ये क्या है, ये डॉलर है, दस रुपए का डॉलर है ये अमेरिका का। तो ये डॉलर 10 रुपए वाला तो रख सकते हैं आप, 10 रुपए का डॉलर आपका 700 रुपए का पड़ जाएगा। आप 700 रुपए का तो एक डॉलर रख ही लीजिए, इससे भी कम का भी आपको पास एक डॉलर भी आ जाएगा। और दूसरा जो है, अगर जो लोग अपने अपनी या अपने पास की सबसे बड़ी करेंसी जो है, अपने पास सबसे बड़ी करेंसी जो है वो भी रखिए। जैसे हमारे यहाँ का 500 रुपए का नोट, हमारे यहाँ का 500 रुपए का नोट हमेशा अपने वॉलेट में रखिए। अगर वो 500 रुपए के नोट के आप ये, हाँ 500 रुपए के नोट में सबसे पीछे जो है ये 5 नंबर हो, कोई से भी आगे के डिजिट हो लेकिन पीछे 5 नंबर हो, तो वो नंबर आपके लिए बहुत बहुत लकी होगा। या पीछे उसके वहां पर पीछे जो है इस नोट में पीछे 24 नंबर हो या लास्ट में 6 नंबर हो, उस तरह के नोट जो होते हैं हमेशा अपने पास रखिए। और वो खर्च मत कीजिए, और करेंसी का अब आप देखिए, अपने यहाँ की, अपने इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी तो हमारे 2000 रुपए का नोट है, इसे आप फ्रेम करवाकर अपने घर के नॉर्थ में लगा लीजिए। अब मैंने भी अपने यहाँ पर लगा रखा है, तो मैंने इससे पहले भी आपको एक वीडियो बनाकर दी थी, और उस वीडियो में जो है मैंने आपको बड़ी सारी करेंसीज भी दिखाई थी, तो मैंने आपको बहुत सारी करेंसीज भी दिखाई थी। तो वो करेंसीज भी जो है आप अपने पास में चिपका कर लगा सकते हैं। नॉर्थ की तरफ पे ब्लू कलर का बेस होना चाहिए, उसके ऊपर अपनी करेंसी कोई सी भी लगा लीजिए। अब आप नॉर्थ में लगा रहे हैं तो 500 की भी चलेगी, क्योंकि फिर नॉर्थ में जो है ना रेड कलर जो है वहां नहीं चलेगा, रेड कलर ये पिंक कलर वहां की फैमिली के कलर्स नहीं है। तो आप क्या कीजिए, ये 500 रुपए का ग्रीन कलर से रिलेटेड जो ग्रीन में है ना ये सारा नोट, ये ऐसा 500 रुपए का एक नोट ले लीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो 50 रुपए का नोट ले लीजिए, एक 50 रुपए का नोट ले लीजिए और पीछे ब्लू कलर का एक चार्ट पेपर लगाइए, उसमें 50 रुपए का नोट लगाइए, उसे ब्लैक कलर के फ्रेम से, ब्लैक कलर के फ्रेम आउटसाइड जो इसकी ब्लैक कलर के फ्रेम में फ्रेमिंग करवाकर उसे जो है अपने घर के नॉर्थ में लगा लीजिए। इतना तो हम कर सकते हैं नॉर्थ में उसको जो है वो लगा लीजिए। और देखिए मैंने ऐसे ही करके फ्रेम जो है बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने आपको पहले भी एक अपनी वीडियो में दिखाया था,
इस प्रकार से मैंने ये फ्रेम कर रखा है, ये ब्लैक कलर का फ्रेम है और नीचे ब्लू कलर का चार्ट पेपर है। मैंने बहुत सारी जहां जहां मैं गई हुई हूँ वहां वहां की करेंसीज मैंने लगा रखी है, तो आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। तो छोटा सा बना लीजिए, छोटा सा इसका 1/4 ले लीजिए, 1/4 पे बना लीजिए, उससे भी आपको जो है बेनिफिट जो है आपको होगा और 100% बेनिफिट होगा। फिर पैसे ज्यादा आने लग जाए तो फिर बड़ा बना लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, चाहे 50 रुपए के नोट से ही शुरू कीजिए, जरूर कीजिए, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। और एक और बात, जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं, मैंने आपको बोला कि हम जो है बड़े अच्छे तरीके से पैसे दे रहे हैं और अच्छी एनर्जीज के साथ हमें पैसे देने हैं, तो आपने क्या करना है, अपने नोटों को, जब आप पैसों को दे रहे हैं किसी को, आप चाहते हैं कि ये पैसे मेरे वापस आए, तो सबसे लास्ट में एक सबसे बड़ा मंत्र बताने जा रही हूँ। लास्ट में आपको क्या बोलना है, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। और ये जो पैसे हैं, ये जिसके पास भी जा रहे हैं, चाहे आपके स्टाफ के पास जा रहे हैं, चाहे आपके किसी के पास भी जा रहे हैं, ये उनको बहुत बरकत दे, उस इंसान के बहुत बरकत दे, और उसके पास जो मेरे पैसे जो जा रहे हैं वो इतने बरकत दे और बहुत ज्यादा उसके पास मल्टीप्लाई हो जाए और वो सारे मल्टीप्लाई होकर फिर मेरे पास वापस आ जाए। देखा कमाल, ये सारे पैसे, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई लाइक यू, और ये पैसे जो है आप जिसको भी दे रहे हो उसके सारे काम बनाए और मल्टीप्लाई हो जाए और मेरे पास जरूर वापस आए। तो ये जो पैसे है ना, ये पंख लगाकर भी उड़कर भी चाहे इनकी आंखें नहीं है, लेकिन आपके पास वापस आने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए ये उपाय, बहुत मजा आएगा। और जीवन में जो है ना, बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच रखिए, मन को साफ रखिए, तभी पैसा आता है। जो लोग जो है ना मन से कपटी और यू कहेंगे जा ले करके, ऐसे करके मत दीजिए पैसे। माँ लक्ष्मी अगर आपसे रूठेगी तो कभी नहीं आएगी। खुश होकर मन से उसको पैसे दीजिए, कोई बरकत हो और मेरे पास भी आए, ठीक है ना। इस प्रकार से, इस भावना से आप दीजिए। ऐसा करने से आपके रास्ते जो है वो जरूर 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 खुलेंगे, आपके लाइफ में जरूर बरकत होगी। और पैसों का जो है रिस्पेक्ट कीजिए, टाइम की वैल्यू को देखिए, टाइम की वैल्यू बहुत जरूरी है। टाइम की अगर वैल्यू करेंगे आप, तभी आपके पास पैसा आएगा। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा भी आना जो है वो बंद हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू जरूर करेंगे और पैसे की रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि पैसा तो मेरे हाथ की मैल, अभी मैं एक घंटे में कमा लूं, ऐसा नहीं है। पैसा मैंने करोड़पतियों को भी रोड़पति और रोड़पति को भी करोड़पति बनते हुए देखा है। तो इसीलिए हर चीज की रिस्पेक्ट करें और टाइम की रिस्पेक्ट जरूर करें। जो लोग टाइम की, समय की रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी मैंने आपको नाम लिए, जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, इन लोगों की लाइफ की हिस्ट्री चेक करिए, ये लोग इतने टाइम के पंचुअल हैं। आप टाइम के पंचुअल होंगे, सोते रहो सोते रहो सोते रहो, आ गया फिर आपके पास पैसा, ऐसा नहीं है। सूर्योदय से पहले जो है जागे, अपने घर में की वास्तु को चेक करें, अपनी ऑरा को चेक करें, रोज गंगा जल से नहाएं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, आपके सारे काम बनेंगे। अपनी पत्रिका में दूसरा घर, सातवां घर, ग्यारहवें घर को खोलने के उपाय जरूर करें। दूसरा घर आपका धनबाग, सातवां घर आपकी डेली इनकम, ग्यारहवां घर मोटा पैसा, उसको खोलने के उपाय जो है जरूर करें। जब तक वो नहीं खुलेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। ये तीन भाव आपने एक्टिव कर लिए, आपके जिंदगी में पैसे का फ्लो कभी नहीं रुकेगा। चाहे कितनी भी किस्मत फूटी हुई हो, किस किस्मत का घर है, गड्ढे में बैठा हो, बार में बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हो, चाहे छठे में बैठा हो, आपके पास पैसे का फ्लो आएगा ही आएगा, चाहे कहीं से भी आए, कहीं से भी आए। पत्रिका पे कार्य करना जरूर बिल्कुल ना भूले, जरूर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपको भी पैसों की बरकत हो। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं, और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे
और रात को 10 बजे लाइव।